हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं गैज एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में गैज मैं आपको बताने वाला हूँ सोलो ग्लिच। इसका यूज करते हुए गैज आप आउटसाइड मैप जा सकते हैं। मेट्रो रॉयल का जो मैप होता है चारों तरफ दीवाल ही दीवाल रहता है, लेकिन आप उस ग्लिच का यूज करते हुए आराम तरीके से बाहर जा सकते हैं और उसके बाद आप अपने दोस्तों को गैज मस्त टाइप से चौंका भी सकते हैं। तो चलो गैज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो भी बंदे अभी तक लाइक नहीं किए गैज कम ऑन जल्दी से लाइक का बटन को दबा दो, और हमारे जीटी फैमिली को गैज हैप्पी वाला दिवाली एंड लव यू ऑल मेरे भाई। और इसके बाद आप यहाँ से पूरा का पूरा नज़ारा ले सकते हैं गैज, हर वो चीज़ पूरा ऊपर से भाई मज़ा आ गया भाई सब कथे ही जहर भाई सोलो ग्लिच। और इसके साथ ही मैं चाहूँ तो इनविजिबल वाटर भी जा सकता हूँ। अगर आप दूर कहीं भी जाते हैं मैप से दूर, तो आपका जो लोकेशन है वो मिनी मैप पर शो नहीं होगा, लेकिन कुछ दूर जाते हैं कहीं भी किधर भी साइड, तभी गैज आपको एक इनविजिबल वाटर मिलेगा, यानी कि आप उस वाटर में तैर सकते हैं, लेकिन वो एंडिंग पॉइंट होगा, उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, जो कि यार फन पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाला है। तो पहला जो लोकेशन है वो है आउटपोस्ट के सामने। आपको गाइस आउटपोस्ट के सामने आना होगा। ऐसा भी होता है कभी कभी आप अलग जगह पर स्पॉन हो जाते हैं, तो आप आउटपोस्ट के सामने आ जाइए। और यहाँ देख लो गाइस पबजी वाले, ए पबजी वाले तुमने तो यार यहाँ गेट लगाना भूल ही गया। ओए मेरे पास 2.5 किलो की सीमेंट है, मैं इसे अभी बंद कर सकता हूँ। अरे भैया प्लीज यार बंद मत करो। अरे देखो ना भैया, आप ऐसा करोगे तो यार मैं कैसे बाहर निकलूंगा, बोलो ना यार। तो यहाँ पर ये ट्रिक का यूज करते हुए आप बाहर निकल सकते हैं मैप के बाहर, इस वाल के बाहर। अगर आपको इसके अलावा सोलो ग्लिच पता होगा तो जरूर एक बार कमेंट करके बता देना। तो ये हो गया गाइस पहला ग्लिच, और हम थोड़ा ऐसे जगह जाते हैं जहाँ से पूरा का पूरा नज़ारा ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं गाइस पूरा का पूरा एक मैप घूमता हूँ और उसके बाद बताता हूँ गाइस कहाँ से अच्छा दिखेगा। तो ओके यहाँ पर फाइनली सामने हिल्स है बड़ा सा, शायद मुझे लगता है यहाँ से पूरा का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा सकता हूँ मैप के बाहर का नज़ारा। और ये देख लो गाइस मैं वैसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ से भाई साहब देख लो, हे मेट्रो रॉयल मैप देखो ना यार, मैं तुझसे रूठा हुआ हूँ, मैं तुझसे दूर जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे रोको कोई, मैं तो भागता ही जा रहा हूँ यार। यहाँ से गाइज आप पूरा का पूरा नज़ारा यहाँ से ले सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा ओपी है गाइज। मैं पूरा का पूरा एक राउंड मैप यहाँ पर घूम दिया। उसके बाद अब बताने वाला हूँ दूसरा ग्लिच, इसका भी यूज करते हुए आप बहुत ही आसानी तरीके से बाहर निकल सकते हैं। मैं यहाँ आ चुका हूँ गाइज इस नदी के सामने, और ये जो नदी का इलाका है देख सकते हैं, यहाँ हमें बॉस भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं बाहर बहुत ही आसानी तरीके से, देख सकते हैं ये वाटर के सामने आपको आना है, और ये जो यहाँ पर गैप दिख रहा है इसके थ्रू से आप बाहर आ सकते हैं। देख सकते हैं मैं वैसे बाहर से अंदर जा सकता हूँ, इसका सिंपल सा मतलब कि आप अंदर से भी बाहर आ सकते हैं। तो ये था गाइज दूसरा ग्लिच, वैसे कैसे लगा प्लीज़ आप एक लाइक और कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। अब हम लोग बढ़ते हैं गाइज तीसरा ग्लिच की ओर। तीसरा एक कतई खुफिया वाला ग्लिच है, मैं बता रहा हूँ ये जो ग्लिच है आप अपने दोस्तों को चकमा दे सकते हैं। भाई बोलेगा भाई तू अंदर कैसे चल गया, ये आउटसाइड वाला मैप नहीं है बट एज ए फन टाइप से आप कह सकते हैं, या फिर कोई बंदा आपको मार रहा है तो वहाँ पर भी आप छुप सकते हैं। तो उसके लिए गाइज हमें उस पार जाना होगा, ये जो ब्रिज बना हुआ है ब्रिज के उस पार जाना होगा। ये ब्रिज इस पार जाने के बाद ये जो सीढ़ी लगे हुए हैं जस्ट इसके ऊपर आइए, इसके बाद जस्ट आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर OMG भैया यार यहाँ तो मिट्टी ही नहीं है, लगता है पबजी वालों के पास मिट्टी की कमी हो गई थी यार, देखो ना यहाँ पर इतना बड़ा छेद। ओए मुन्ने ये तो 2.5 किलो की छेद है भैया, पता नहीं यार पबजी वाले क्या करते हैं। ये छोटा सा सीमेंटेड इलाका है, और यहाँ से आप नज़ारा ले सकते हैं। इसके बाद मैं नीचे भी कूद सकता हूँ नीचे, और नीचे इससे ज़्यादा बड़ा एरिया है, और एक बार मैं नीचे कूद गया तो देख सकते हैं गाइज नीचे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर स्पेस है वैसे, है ना। और यहाँ जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं देख सकते हैं आप दीवार के सामने आ जाइएगा, और यहाँ से गाइज आप अपने दोस्तों को चकमा दे सकते हैं। और बाहर निकलने का बस सिंपल सा तरीका है, आगे आपको जंप करना है, जैसे ही जंप करते हैं बूम आप आ चुके हैं बाहर। और अब हम बढ़ते हैं गैज चौथे ग्लिच की ओर, ये भी गैज सोलो होने वाला है। इसके लिए आपको यहाँ पर यसियाना पीडी और फार्म के जस्ट सेंटर पर आना होगा। देख लो गैज मैं जहाँ जा रहा हूँ, यहाँ आप जैसे ही जाते हैं यहाँ हमें एक टनल देखने को मिलेगा,
और जस्ट टनल के लेफ्ट साइड से आप आराम से इजी तरीके से बाहर निकल सकते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पबजी वाले शायद वाल खड़ा करने ही भूल गए, तो यहाँ से भी आप आराम से निकल सकते हैं गाइज। बस ये टनल से ऊपर निकलिए और गाइज बूम, आप बहुत ही आराम से निकल सकते हैं मैप के बाहर। तो ये था गाइज पूरा का पूरा ग्लिच, और अब हम चलने वाले हैं इनविजिबल वाटर के अंदर। इसके लिए हमें मैप से थोड़ा सा दूर जाना होगा, आप कोई भी डायरेक्शन में भाग सकते हैं। जैसे ही आप कुछ दूर भागते हैं आपको यहाँ पर एंडिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। एंडिंग पॉइंट मतलब कि आपको नीचे ग्रास देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आप वैसे जगह पर पहुँच जाते हैं आप समझ जाना कि वो है इनविजिबल वाटर का एरिया। तो ये रहा वो इलाका, देख सकते हैं मैं पहुँचने वाला हूँ और मैं पहुँच गया। देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद से ग्रास बिल्कुल भी नहीं है और ये इलाका थोड़ा सा डाउन है। मैं जैसे ही आऊँगा गाइस बूम, OMG मैं तैर रहा हूँ। ए भैया मैं तो तैर रहा हूँ। ओए मुन्ने ये तो 2.5 किलो की पानी भी नहीं है। ए भैया बिना 2.5 किलो की पानी से भी मैं यार तैर सकता हूँ। देखो ना यार ये पानी ही पानी है, लेकिन ये कैसा पानी है, हमारी नजरों से दूर है। ए पानी प्लीज आप हमारे सामने आ जाओ। यार पानी देखो ना यार, हमसे रूठा हुआ है क्या पानी। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा मस्ती कर सकते हैं अपने दोस्तों के यहाँ गाइस। सच में कतई से मजा है। आप अगर पबजी खेल खेल के बोर हो गए हैं, आ जाओ इस लोकेशन पर और स्विमिंग करो और फिर फ्रेश हो जाओ, है ना। तो कैसे लगा चारों ग्लिच, प्लीज़ आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बता देना। और इसी तरह के पबजी रिलेटेड से न्यूज़ या टिप्स ट्रिक ग्लिच कुछ भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो चलो यार मिलते हैं और वीडियोस के साथ, और अभी के लिए गाइस गुड बाय।